नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 13 तारीख है और आपको याद होगा कि मैंने अपने भाई बहनों को ज़ेवरिना होलीहॉक जो वीडियो नंबर 271 में मंजू नेचर लवर चैनल में जो लगाना सिखाया था उसमें वीडियो मैंने डाला था। तो वैसे तो उसकी पौध मैं कुछ दिनों पहले ट्रांसप्लांट कर देती, पर यही है ना, मेरे गार्डन में खूब सारे फ्लावर्स जैसे खिल रहे थे, तो अभी फिर मुझे मजबूरी में कुछ हटाने पड़े हैं और कुछ गमले खाली करने पड़े हैं और कुछ बैग जो पुराने निकालने पड़े हैं और नए बनाने पड़े हैं। तो आज मैं उसे ट्रांसप्लांट करना बताऊंगी और बहुत ही खूबसूरत उनके फूल लगते हैं, पर्पल में एक डार्क कलर और लाइट कलर के शेड में। तो आपने देखे होंगे मेरे पुराने चैनल मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, या फिर नए चैनल पर सर्च कर सकते हैं। ये तो मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आप भी बहुत बिजी होंगे दिवाली के कामों में, पर टाइम निकाल के हमें ये है कि गार्डनिंग के भी खूब सारे काम जो है निपटाने ही पड़ते हैं। तो मैं एक खूबसूरत नज़ारा दिखा दूँ, ये तितली देखी फूलों पे, कितनी प्यारी तितली है, उड़ जा रही है। वाटर लिली का फूल देखिए, आज भी 13 तारीख को भी ये खिल रहा है, हालांकि विंटर इन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, डोरमेंसी में ये चले जाते हैं। तो ये है मेरे ज़ेवरिना होलीहॉक के प्लांट्स और ये कुछ इस पॉट में है और कुछ इसमें है, कुछ मैंने और भी कहीं कहीं सीड डाल रखे हुए हैं। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, ये पोली बैग में बहुत ही अच्छे से चलते हैं क्योंकि इन्हें मॉइस्ट मिट्टी जो है पसंद आती है। जब इनमें फ्लावर वर्ड्स आना स्टार्ट होती हैं तो तब जो है आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसा करती हूँ, मटर के छिलके जो सुखा के स्टेम का थोड़ा हिस्सा छोड़ के साइड साइड में वो मल्चिंग कर देती हूँ ताकि मॉइस्चर बना रहे और तेज़ धूप भी इन्हें पसंद है। तो 1-5 किलो के राइस बैग में आप 2 प्लांट रख सकते हैं। तो मैंने वो मेरे सर्च कर सकते हैं आप, ज़ेवरिना होलीहॉक .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखें तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं आ जाएंगे। तो आज इसमें मैं ये 2-3 पौधे अभी उगे हैं, अभी तो मेरे पास जगह नहीं है, अभी तो फिलहाल मैं 2-3 निकालूंगी इसमें से और वो फिर मैं बैग में लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम इसकी मिट्टी को अच्छे से गीला करेंगे ताकि रूट्स तक पानी पहुंच जाए। तो ये अपने काम पहले करना है, वैसे मैं ये कर चुकी हूँ ताकि आप भूल ना जाओ, इसलिए आपके सामने फिर से मैंने डाल दिया है। और इसको निकालना ऐसे ही है, सेंटर में 1 पौधा रहने देते हैं, 1 थोड़ी दूरी पर रहने देते हैं और ये 1 साइड से निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारे 2-3 प्लांट ये लगे हैं ना इकट्ठे, तो ये हम निकाल देते हैं, ये ऐसे करके इकट्ठे निकाल देते हैं। तो क्योंकि मुझे इसमें 2 या 3 पौधे रखने हैं, तो अभी कुछ कुछ ये अलग से जो निकले हैं ये भी जो नीचे चाहिए इनको भी उखाड़ के फेंक दीजिए। तो ये मैं बाद में करती रहूँगी। इसमें 1, 2, 4 पौधे हैं, 4-5 और भी पिटूनी है, पता नहीं क्या क्या, ये भी अपने आप ही कोसमोस उगाए हैं। तो ये 3 पौधे मैंने निकाल लिए हैं, तो इसे हम अब राइस बैग में ही ग्रो करेंगे। तो इसकी मिट्टी भी पहले मैं अच्छे से भिगो देती हूँ और सूखी मिट्टी है, इतना पानी डालते हैं ताकि नीचे तक मॉइस्चर जो चला जाए। ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना, वो वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। तो आज मैं ट्रांसप्लांट करना ही सिखा रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बस इसकी जड़ें जो है अच्छे से दब जाए, ये देखना है आपने। और ये पौधा जैसे ये निकालना है, 3 पौधे हैं ये, और ये निकाल के फिर बस ऐसे ये जड़ इसकी, ये गड्ढा जो बनाया है हमने ये इसमें कर दी और ये ऐसे दबा देना है, मिट्टी चढ़ा देनी है। और ये वीव ना के उंगलियों का, ऐसे थोड़ी जड़ खराब ना हो तो ऐसे साइड से दबा देनी है। तो ये मैं अभी बाकी लगाती हूँ। और जो कैट फीड का पैकेट है ना 1.2 kg का, तो उसमें भी मैं 2 प्लांट जो इसके ग्रो करूँगी। तो मैं 2 इसलिए भी कर रही हूँ कि एक आधा अगर कोई नहीं चलता है ट्रांसप्लांट करने के बाद, तो एक तो कम से कम बना रहेगा। तो ये जो कैट फीड वाला बैग छोटा सा बताया है, तो इसमें मैंने ये 2 पौधे अभी ग्रो कर दिए हैं और 1 प्लांट मैंने यहाँ से लिया और 1 मैंने इस पॉट से लिया और इसमें भी 3 लगा दिए हैं। तो अब इनमें इन्हें बड़े प्लांट्स के नीचे छाया वाली जगह में रखना है ताकि ये मुरझाए नहीं, हरे भरे बने रहें। तो ये मैंने एनुअल क्राइसेंथिमम जो ट्रांसप्लांट करना सिखाए थे, तो ये देखिए मेरे सारे चल पड़े हैं, ये बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं। और ये नमकीन वाले पैक में 2 पौधे ये इस तरह से छाया वाली जगह में रखना है, जब अच्छे से चलने लगे फिर धीरे धीरे धूप का टाइम बढ़ाना है। तो इस टाइम जो है ढेरों वेजिटेबल्स और ये फूलों की पौध जो तैयार होती है, तो
प्लांटर की जो कमी बनी ही रहती है, तो ये जो घर में बैग वगैरह निकलते हैं तो इनका खूब इस्तेमाल आप कर सकते हैं और खूब अच्छे से फ्लावर्स जो हैं इनमें खिलते हैं आते हैं। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ और मेरा गार्डन देखा आपने फूलों से भरा ही रहता है। ये मैंने कुछ फूल जो है लिक्राइसम के ऐसे तोड़ के तोड़ मरोड़ के डाल दिए, तो ये देखिए ये बहुत तैयार हो गई अपने आप ही ये निकला ही है। तो मैं इस तरह से बहुत तरह के करती हूँ और पिटूनिया तो मेरे गार्डन में हर गमले में ढेरों जो है अपने आप ही निकल आए हुए हैं। तो मैंने कुछ सीड जो है टमाटर के भी डाल दिए थे तो कुछ पौधे निकल आए थे जो घर में लाते हैं सब्जी के लिए। तो अभी सुबह मैंने ये एक पोट में ये 12 इंची पोट में ये 4 पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं, तो इन्हें सीधी धूप ना पड़े इसलिए ये शीट जो अमेजोन से सामान आता है ना ये बड़े काम के होते हैं, इस तरह से दे दिए हैं डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए। जब चलने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे धूप का टाइम बढ़ाऊंगी। और एक गमले की साइड में थोड़ी सी जगह बचती है तो अपने गार्डन के टिथोनिया के सीड्स भी मैंने ये डाल दिए हैं। तो ये देखिए जर्मिनेशन, एक ये इतना बड़ा पौधा हो गया, एक ये और ये उग रहा है। तो ये मैंने 6 नवंबर को डाले थे और हफ्ते के अंदर जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है और ये तो 2-3 पौधे भी तैयार हो जाएं तो बहुत बात है। तो मैं ऐसे करती हूँ, सीड कहीं ना कहीं डालती रहती हूँ। अगर ये बॉक जो ये आपकी इतनी बड़ी हो गई है जितनी ये बड़ी मेरी है तो ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो इसे भी मैं धीरे धीरे, इसे तो एक बोतल में भी एक प्लांट लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये फैलता है। जूस वाले डिब्बे में भी एक पौधा लगा सकते हैं, तो पिछले मेरे वीडियो देख सकते हैं आप। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये फूल देखिए इतने बड़े बड़े खिल रहे हैं हिबिस्कस के। चलिए अभी मैं बाकी के काम निपटाती हूँ और आप भी करिए, और दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी खुशियां आपके लिए, आप सबके लिए लेकर आए। और ये बालसम के पुराने पौधे हैं तो ये सब भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने कुछ काफ़ी कुछ निकाल दिए हैं। जब गार्डन में ढेरों फूल लगे हों तो गमले खाली करने का फिर मन भी नहीं करता है, पर फिर करने ही पड़ते हैं।